दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हो, मैंने मेरी बाइक को पल्सर 150 का 150 से 180 का लुक दिया हुआ है। और आप देख सकते हैं मैंने इसमें डिस्क ब्रेक भी इंस्टॉल किया हुआ है, रियर डिस्क ब्रेक। और फ्रंट का भी देख सकते हैं आप, पल्सर 180 का ही है, वो मोटे वाले शॉक कप हैं। और आप मेरी बाइक को देख सकते हैं, मेरी बाइक पल्सर 150 है। तो आज की जो मॉडिफिकेशन है दोस्तों, वो है मेरे इस रेयर मडगार्ड की कटिंग की वीडियो। मैंने अपनी बाइक को डबल स्टैंड पे लगा लिया है। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें इसकी मार्किंग करनी है। ओके, आपने बहुत सारी वीडियो में देखा होगा कि आरे का ब्लेड लेकर के लोगों ने यहाँ से कट कर दिया, यहाँ से कट कर दिया, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। मैं इससे हट के डिज़ाइन आपको दूंगा, ताकि ये कट करने के बाद भी और ना लगे, एक अच्छा सा लुक आपको मिले। तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसके पहले सबसे पहले हमें ये लगभग 1.5 से 2 इंच का एक गत्ते का टुकड़ा लेना है। ओके, जो इसकी चौड़ाई की साइज़ का हो। ओके, ये देखिए, ये इसकी साइज़ का था। ओके, देख सकते हैं आप, ये देखिए। ओके, अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं इसको बीच में से इस तरीके से फोल्ड कर लूँगा, इस तरीके से, ये देखो, बराबर से बिल्कुल। ओके, ये मैंने बीच में से फोल्ड कर लिया, देख सकते हैं। और देन अब मैं ये जो बंद वाला हिस्सा है, और ये बंद वाला जो हिस्सा है, और ये खुला वाला हिस्सा है ना, खुले वाले हिस्से की साइड से मैं थोड़ा सा कम करूँगा डाउन, और इधर की साइड से इसको हम तिरछा काट लेंगे बिल्कुल इस तरह से करके। देखिए दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग, ये इस तरीके से देख सकते हैं किस तरीके से कट के आया हमारे सामने। अब हम इसको जब खोल के देखेंगे तो ये हमारे सामने कुछ वी टाइप में कट के आएगा। ओके, और ये हम इस तरीके से लगा लेंगे। अब हम इसकी मार्किंग कर लेंगे। देख सकते हैं दोस्तों, इस पर लगभग मैंने मार्किंग लगा दी है, ये आपको दिखाई दे रहा है ना। ओके, चलिए अब हम इसको कट कर, चलिए फटाफट से इसको कट कर लेते हैं। और कट करने के लिए हम यूज़ करेंगे इस आरी ब्लेड का। फाइनली हमने कट कर दिया दोस्तों, आप देख सकते हैं ये लुक आया है। तो दोस्तों, कटिंग करने के बाद कुछ ऐसा लुक आया है अपनी गाड़ी का, आप देख सकते हैं। ओके, लेकिन दोस्तों मैंने ये कट तो कर दिया है, बट मुझे कुछ अच्छा सा फील नहीं आ रहा, कुछ अच्छा लुक मुझे लग नहीं रहा, आप देख सकते हैं बिल्कुल। ये देखिए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। आप बैक से भी इसका लुक देख सकते हैं, ये देखिए, कुछ मज़ा सा नहीं आ रहा मुझे इस मॉडिफिकेशन में। तो मैं सोच रहा हूँ वापसी अपनी तेल को इसमें फिर से लगा दूँ। तो अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हो जाए जो आपको कोई मॉडिफिकेशन अच्छा ना लगे, और उसको आप इस तरह से कट करके कर रहे हो और अच्छा ना लगे, तो वापस से आप कैसे उसको जोड़ोगे और कैसे वही लोग वापसी दोगे, तो मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में दिखाऊँगा। ओके, तो इसको मैंने थोड़ा सा शेप दिया है, सीधा कर दिया हल्का सा, ताकि बिल्कुल गोल सा लुक आ जाए। ओके, क्योंकि वो बिल्कुल नोक सा कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, और इस पर मैंने सैंड पेपर से इसको रब भी कर दिया, ताकि थोड़ा सा और फिनिश अपने को मिल जाए। और एक चीज़ और दोस्तों, इसी मडगार्ड के अंदर से मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए आप ये चीज़ देख रहे होंगे, ये मैंने कट कर दिया है, फिर से दिखाता हूँ मैं आपको, ये चीज़, ये थोड़ा सा मैंने इसको कट किया है दोस्तों, ताकि इसके अंदर मैं इसको जॉइंट कर सकूं। ओके, और ठीक इसी तरीके से मैंने इस साइड भी कर दिया है, ये देख सकते हैं आप, ये देखिए। ओके, ये मैंने यहाँ की एक लाइनिंग कट करी है, आप देख सकते हैं आपकी मरगार्ड में भी होगा ये लाइनिंग। ओके, और इस पर अब मैं 3 हॉल करूँगा, बिल्कुल पतले पतले, अपने 7 नंबर या 8 नंबर के पेज के अकॉर्डिंग, पतले पेज कस से, यहाँ पे एक, यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इस पर निशान लगा दिया है, ये देखिए है ना, एक ये रहा, और ठीक इसी तरीके से इस साइड, ये देखिए है ना। अब इस पर मेरे को 3 हॉल करने हैं, लेकिन वो हॉल में कैसे करूँगा वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ आगे अपनी वीडियो में। ओके, सबसे पहले हम दोस्तों क्या करेंगे, अपना जो कट किया हुआ टेल सेक्शन है
देख सकते हैं आप, ये मेरा कट किया हुआ है, मैंने इस तरीके से तिरछा कट किया था, और इसमें भी आप देख सकते हैं ठीक वही चीज़ है, ये देखिए है ना अंदर से ये चीज़ है। इसमें भी मैंने थोड़ा सा ये कट कर लिया है और इसमें भी थोड़ा सा ये कट करके ले लिया है। ओके, अब दूसरी चीज़ क्या किया मैंने, एक डबल टेप की दो स्ट्रिप मैंने इस पर लगा दी है। ओके, अब इसका यूज़ मैं क्यों कर रहा हूँ, इसका यूज़ इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं इसका मैं बैलेंस बना सकूँ और इसको लेवल में ले सकूँ। ओके, ये देखिए इस तरीके से मैं इसको लेवल में लगा करके चिपका दूंगा, और चिपकाने के बाद इसमें हॉल करूंगा ताकि हॉल दोनों में हो जाए, इस वाले हिस्से में भी और इस वाले हिस्से में भी। ओके, तो चलिए देखते हैं और करते हैं अपने काम को। ओके, तो ये देखिए मैंने एक गर्म पेचकस ले लिया, इसको गर्म कर लिया, अब देख सकते हैं इसमें कैमरे में दिखाई दे रहा होगा। अब सबसे पहले हम ये बीच वाले हॉल पॉइंट पर आप रख रहे हैं। ये हमने हॉल कर लिया दोस्तों, और इस तरह के तीन पेच है मेरे पास में, तो देख सकते हैं आप लोग। ओके, उस साइड भी मैं इसमें सुराख कर लेता हूँ दोस्तों, मेरा पेचकस गर्म हो चुका है। दोस्तों मैं तो घबरा ही गया था कि पता नहीं कट करने के बाद तो इतना बेकार सा लग रहा है, ये मैं वापस ठीक कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, लेकिन हो गया ये। Now I must conclude, I am conflicted, watching where I step still, hanging in the balance, not the life I want to live, I want to take it all. देख सकते हैं दोस्तों, हमने अपने उस मर्दा को काट करके वापस से वही लुक दे दिया है। तो आज की वीडियो में आप लोगों को मैं ज़्यादा कोई मॉडिफिकेशन नहीं दिखा रहा हूँ, मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि अगर आपसे कोई मॉडिफिकेशन गलत हो जाए या आपको पसंद ना आए तो आप वापस से, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप वापस से उसको वही लुक दे सकते हो, वही वैसे वाला ही, बस ये होगा कि थोड़ा सा आपको मतलब थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ तो करना ही पड़ेगा। ओके, तो ये देख सकते हो लुक भी अच्छा लग सा आ गया है, और ये हमारा वापस से जॉइंट भी हो गया और ये मजबूत हो गया है, कहीं अब ये इधर उधर नहीं जाएगा। दोस्तों वीडियो कैसे लगे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक जरूर करें, साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें, जिससे मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और सबसे पहले आप मेरी वीडियो को देख पाए। तो मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में इसी तरह से कुछ नया लेकर, कुछ नई सोच के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सलाम।